अरे चाचा चाची भैया भाभी पेंगू और पिंकी, सुनो जरा कान लगाकर। कान लगाकर, कान लगाकर। हम भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम प्रताप नगर के विद्यार्थी। भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम प्रताप नगर के विद्यार्थी लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए एक नुक्कड़ नाटक। इसे देखो तुम जरा ध्यान लगाकर। ध्यान लगाकर, ध्यान लगाकर। अरे वाह, नुक्कड़ नाटक। पर इस नुक्कड़ नाटक का विषय क्या है? अरे वही होगा, बेरोजगारी या महंगाई। महंगाई, सही सही आंखों को वही कमा रहे महंगाई। ना तो इस नाटक का विषय बेरोजगारी है और ना ही महंगाई। इस नाटक का विषय तो है पढ़ाई। पढ़ी लिखी वो तो मैं हूँ, अब मैं पास। और ये मेरी छुटकी, ये भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। अरे मिसेस बत्रा जी, बस आपकी छुटकी ही क्यों, मेरा छुटकू भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेता है, पर पता नहीं क्यों नॉलेज कम है। नॉलेज कम है, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़े लिखे हैं और आपके बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, पर क्या आप लोग कोर्स की पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ और पढ़ते हैं? कोर्स की पढ़ाई लिखाई के भी अलावा पढ़ाई, मैं कुछ समझी नहीं। आपको कोर्स की पढ़ाई लिखाई के अलावा पढ़ने के बारे में बता दें और रीडिंग का महत्व समझाने ही तो रीडिंग मंथ सेलिब्रेशन के अंतर्गत हम आपको ये नाटक दिखाने आए हैं। ओ अच्छा, तो जल्दी से नाटक दिखाओ और हम सबको रीडिंग का महत्व समझाओ। हाँ हाँ, नाटक दिखाते हैं, पर उससे पहले शर्मा जी से तो मिलवाते हैं, जो रोज अपने घर अखबार तो मंगाते पर रोज की भागदौड़ में पढ़ नहीं पाते, फिर देखो जरा कैसे पछताते हैं। अरे सुनती हो, मुझे लेट हो रहे, मैं जा रहा हूँ। अरे पर सुनो, अभी टाइम नहीं है, बाय बाय। चले गए बिना। बारिश आई, बारिश आई, घूमट घूमट कर बारिश आई। बारिश आई, बारिश आई, घूमट घूमट कर बारिश आई। अरे अरे, ये क्या अचानक से इतनी तेज बारिश, ये क्या हो रहा है? मौसम इतना खराब हो गया है। एक काम करता हूँ, घर वापस चले आता हूँ, नहीं तो रास्ते में फंस जाऊंगा। अरे मौसम बहुत खराब हो रहा है, बहुत तेज बारिश आ रही है। अरे तो मैं अभी तो आपको वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो आज के अखबार में भी आया है, आज सुबह 9 बजे से 1 बजे तक घनघोर बारिश की संभावना है, पर आप जब अखबार पढ़े तब तो आपको पता चले ना, इसीलिए तो कहते हैं चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो पर सुबह सुबह अखबार जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे हमें हमारे आस पास समाज देश व विदेश की सारी खबरें पता रहती है। अच्छा, तभी तुम्हें पता चल जाता है कि कब कौन सी मॉल में कौन सी ब्रांड में कब से कब तक कितनी सेल लगी है। यही तो फायदा है न्यूज़पेपर रीडिंग का। तो देखा आप लोगों ने कैसे आज शर्मा जी को पता चला न्यूज़पेपर रीडिंग का क्या फायदा है। अरे सिर्फ शर्मा जी को ही नहीं, मुझे लगता है हम सभी को न्यूज़पेपर रीडिंग का फायदा पता चल जाए। अरे न्यूज़पेपर रीडिंग के जरिए बल्कि हर तरह की रीडिंग का इंसान के जीवन में बहुत महत्व है। फिर या तो वो न्यूज़पेपर रीडिंग हो, बुक रीडिंग हो, या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अब अपनी पड़ोसन मीना आंटी को ही देख लो, कैसे पाक कला की किताबें पढ़ पढ़कर उन्होंने खुद को इतना ट्रेन कर लिया है कि आज वो मास्टर शेफ की टॉप 20 में जा पहुंची है। क्या बात है सिंह साहब, अगर आपने ये बात पहले मुझे बताई
भी बुक्स पढ़ के कुछ ज्ञान पा चुकी होती, पर अभी तो मेरी एज हो गई है ना। अरे कोई बात नहीं मिसेस बत्रा जी, जब जागो तभी सवेरा। मैं तो कहता हूँ कि आप आज ही से ही, अरे नहीं नहीं, आप अभी से ही बुक रीडिंग करना चालू कर दो, फिर देखना अपने आप को कैसे रिलैक्स फील करेंगी। और हाँ, अगर बुक्स चाहिए हो तो मेरे को फोन कर देना, मैं आपको एक अच्छी सी लाइब्रेरी की मेंबरशिप दिला दूंगा, फिर वहाँ से आप चाहे उतनी बुक्स इशू करवा सकती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ मम्मी, आप भी हाँ हाँ, रीडिंग हमारे व्यक्तित्व और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके कई फायदे हैं, जैसे रीडिंग लाइफ में फोकस इंप्रूव करता है, रीडिंग से दिमाग की क्षमता एकाग्रता होती है, रीडिंग से तनाव दूर रहता है, रीडिंग से ज्ञान की वृद्धि होती है, रीडिंग से चीजों समाज के व्यक्ति को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है, रीडिंग से व्यक्ति की काल्पनिक शक्ति का विकास होता है, रीडिंग अच्छी नींद के लिए सहायक होती है, रीडिंग से व्यक्तित्व का विकास होता है, और जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, न्यू स्किल्स डेवलप होती है। तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि आज से हम रोज रीडिंग करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, किताबों ने हमें सच बोलना सिखाया है, हर मुश्किल में सही मार्ग दिखाया है, किताबों ने खुद में कितना ज्ञान छुपाया है, जितना कोई लुटेरा कभी ना लूट पाया है।